नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार। कैसे हो आप लोग सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइजेशन करें 2024 में। जी हाँ मेरे दोस्तों देखिए, यूट्यूब जब हमारा यूट्यूब पर क्रिएट एरिया पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं, तो यार हमारे मन में बस ये आता है कि कैसे जल्दी से मोनेटाइज हो जाए चैनल। यार चैनल को मोनेटाइज करो, लेकिन आराम से, क्योंकि वही है यार जो आपने मेहनत करके इतना सब कुछ किया है ना, तो थोड़ा सा दोस्तों आराम से एकदम अच्छी तरीके से भेजना है आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए। किस तरीके से भेजना है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, कंप्लीट, ठीक है? और वीडियो स्किप मत करना यार दोस्तों, एक बार में मतलब ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या है ना, अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया ना, तो आप कुछ और कर बैठोगे और आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, आपको हम यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो इस पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, वो अपना यूट्यूब चैनल अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, ठीक है? क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर साइड में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो, या फिर YouTube का आइकन यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि दोस्तों वाइट स्टूडियो में से मत भेजना, वहाँ से मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से भेजना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भेजना है यहाँ से, मतलब क्रोम ब्राउज़र में अपना यूट्यूब वाइट स्टूडियो को ओपन करके डेस्कटॉप साइड पर लगा करके। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट पे जा करके मैंने पहले से ऑलरेडी डेस्कटॉप साइड पे यहाँ पे लगाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर, आप स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप साइड पे लगा करके आपको यहाँ पे देखिए आपके चैनल का आइकन देख लग जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या काम करना है यहाँ पे दोस्तों, किसी के में देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है? योर चैनल का, तो यहाँ पे मेरे में गूगल अकाउंट का आ रहा है। अब देखिए किसी में यहाँ पे आता है यूट्यूब स्टूडियो का, तो मैं यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो को जैसे ही ओपन करूँगा ना, तो वही पेज खुल के आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, जो योर चैनल पे करके आता ना वही इस पर आएगा। देखो ये इस तरीके से आ गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो चैनल है ना वो हुआ पड़ा है बिल्कुल एकदम 1000 सब्सक्राइबर और हमारे 4000 घंटे इस पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अर्न वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अर्न वाला ऑप्शन कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखिएगा डॉलर का जो सिंबल बना दिख रहा है ना, इस पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रहे, ये सिर्फ जब ही अप्लाई होगा जब आपका मोनेटाइज होने के लिए रेडी होगा। रेडी कैसे, मतलब आपके चैनल पर जो एडवांस फ्यूचर रहते हैं ना दोस्तों इनेबल करने के लिए, और वो मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपका चैनल वेरीफाई होना चाहिए अपने मोबाइल नंबर से, और आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए 90 दिन तक, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आपका एडवांस फ्यूचर इनेबल नहीं है, तो यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दिया है उनको कैसे इनेबल आप लोग कर सकते हो और अपने स्ट्राइक को भी कैसे हटा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे देखिए शॉर्ट फीड एड्स और मेंबरशिप और सुपर और स्पॉन्सरशिप, ठीक है? नहीं सॉरी शॉपिंग, ठीक है? यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा आपको दोस्तों, ये बहुत सारी यहाँ पे दिखने लग जाएंगी आपको। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा अप्लाई पे टैप करना है। जैसे दोस्तों आप लोग अप्लाई पे टैप करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसको समझिएगा दोस्तों, ध्यान से देखना है वीडियो दोस्तों, कंप्लीट देखना, ठीक है? इसको यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे ये क्या बोलता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले रिव्यू मतलब स्टेप वन में क्या करना है आपको, वो मैं बताऊँगा। देखो एक आता है स्टेप टू में आपको अपना गूगल एडसेंस बनाना पड़ेगा, मतलब आपका एड्रेस वगैरह, आपका जो पिन विन है वो सब चीज़ यहाँ पे भरा जाएगा। और तीसरा यूट्यूब अपना आप चेक करता है, यानी आपका कंटेंट चेक करता है। कंटेंट में मतलब आपका डिस्क्रिप्शन सही है और अपने सोशल मीडिया के लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन सही है, और आपका दोस्तों मतलब कोई आपने कॉपीराइट वगैरह स्ट्राइक तो नहीं आई है ना, इस तरीके से चेक करता है। स्ट्राइक आई होगी तो दोस्तों मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम करते हैं स्टेप वन को पहले इनेबल। देखिए कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट पे टैप करते हैं, आपको स्टार्ट पे टैप करना है और यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको टिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको यहाँ पे टिक करिएगा। टिक करने के बाद में आपको इसको एक्सेप्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए इस वाले पर टैप कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट ट्रिम, ठीक है?
तो ये जो है ना थोड़ा सा देखो लोडिंग चल रही है, ऊपर में देखिएगा यहाँ पे लोडिंग चल रही है। उसके बाद ये देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये देखिएगा इस तरीके से देखो डन हो चुका है, मतलब स्टेप फर्स्ट जो है वो डन हो चुका है। अब स्टेप सेकंड कैसे डन होगा देखिए यहाँ ध्यान से। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेप टू को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे टैप करना है, ठीक है। जैसे आप लोग स्टार्ट पे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको ये क्या बोल रहा है, हाँ ये पता है क्या चीज़ बोल रहा है, अगर आपका पहले से ही गूगल एडसेंस अकाउंट है तो दोस्तों आप यस पे करना है। देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पे टैप करूँगा तो यस पे करना है, अगर आपका नहीं है तो आपको नो पे करना है, ठीक है। नो पे करने के बाद में इसको कंटिन्यू कर लेना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको नो पे ही करना है अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी ईमेल आ जाएंगी, आप उससे लॉगिन हो जाइएगा। जोनसी का मतलब जोनसी ईमेल मतलब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हो या फिर गूगल एडसेंस बनाओगे तो यहाँ पे आप जो आपका चैनल है जिस ईमेल से उसको लॉगिन कर लीजिएगा, जोनसी ईमेल से आपका भी चैनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी जोनसी ईमेल से मेरा यूट्यूब चैनल है उसको मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको एक बार टैप करना है और यहाँ पे आपकी कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंडिया कहाँ गई भाई आई एन आर हमारी, इंडिया प्यारा भारत। तो हमने देखिए यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम नीचे की तरफ में जाएँगे, नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर ये टिक लगाना है बस, एक टिक और एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, इसको एक बार डेस्कटॉप साइड में करते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। डेस्कटॉप साइड से वो हट गया था, यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंडिया अपनी इंडिया कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। आप दोस्तों कर लीजिएगा जो भी आपकी कंट्री है ना उसको सेलेक्ट कीजिएगा, हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में करना कुछ नहीं है। ये आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपकी मतलब बैंक अकाउंट में कैसे, मतलब ये आप इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये पता क्या है इसमें, ये आपके डॉलर कैसे मतलब एडसेंस पिन आएगा ना, किस तरीके से वो वेरीफाई करना, क्या क्या होगा आगे, तो ये इस चीज़ के बारे में जानकारी है। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे दोस्तों। इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको इस चैनल पर देता रहूँगा कि किस तरीके से क्या होता है चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको राइट करके यहाँ पर हम करते हैं सेटअप अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप अकाउंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के ओपन होगा दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा हमारा नेट देखिए यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट टाइप, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल रहने देना है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप एक ही बंदे हो ना, मतलब आपकी कोई कंपनी बहुत सारे लोग नहीं है ना आपके चैनल पर काम करने के लिए, एक ही जने हो, तो इसको इंडिविजुअल रहने देना है, ठीक है। इस वाले पर, ऊपर वाले पर बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आता है नेम एंड एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अपना डाल लेता हूँ नेम, तो यहाँ पे मैं नाम डाल लेता हूँ अपना, जो भी मेरा नाम है, ठीक है। KRISHAN, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस देखो दोस्तों, यहाँ पे कई आएंगे आपके, एड्रेस लाइन वन, ठीक है, एड्रेस लाइन टू, एड्रेस लाइन और थ्री, ये इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से भर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ आपको क्या क्या भरना है, ठीक है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आप जब एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना अपना, आपका एडसेंस आएगा वो, तो उसका यही भरना पड़ेगा आपको एड्रेस, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले आता आपको ये देखो इंडिविजुअली रहने देना है, नेम ऑफ एड्रेस, ये नेम है हमारा, और ये एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, मतलब आप सेम ही भर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी सिटी और अपना मतलब पिन कोड, ठीक है, और आप स्टेट कौन से स्टेट से हो, ठीक है। तो ये चीज़ भरने के बाद में आपको लास्ट में आता है अपना मोबाइल नंबर भरने के लिए, आप अपना मोबाइल नंबर भर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर भरने के बाद में दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है सबमिट का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे सबमिट हमने कर दिया है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा एक बार ये कर देना है, दबा देना है और एक बार ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है ना ये
जो सेकंड स्टेप था ना, देखो ये वाला अब लग चुका है, अब थोड़ी सी लाइन चल रही है ऊपर, ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए लाइन चल रही है ना अभी ऊपर में, आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा चलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ना, अंडर रिव्यू में पहुँचेगा आपका ये चेक। देखो ये पहुँच गया इन प्रोग्रेस में, आपको दिख रहा है ना, इन प्रोग्रेस में पहुँच चुका है दोस्तों। अब दोस्तों अब क्या होगा, देखिए अब आपका 24 घंटे में YouTube आपके चैनल को जो ना, मतलब आपका एड्रेस वगैरह चैनल वगैरह को उसको चेक करेगा इस दोनों स्टेप को। और लास्ट देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, 2 से 3 दिन में, ठीक है, 2 से 3 दिन में आपका चैनल मतलब आ जाएगा आपके पास में, एक ईमेल आएगी कि योर एक्सेप्ट, मतलब आपके पास में ईमेल आएगी है कि YouTube की तरफ से, जो कि दोस्तों मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, किस तरीके से ईमेल आती है, और आपको पता लग जाएगा दोस्तों ईमेल आती है। और यहीं पे ही आप खोल के देखोगे ना, तो यहाँ पे एक आएगा कि योर पार्टनरशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट यूट्यूब, तो इस तरीके से कुछ ईमेल आएगी आपको, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना यार दोस्तों, तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बिगर मतलब आपको बिगर जाने पहचाने मतलब कुछ नहीं करना है इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये आपने इतनी मेहनत करी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको काम करना है, आपको पता भी होगा किस तरीके से आपने मेहनत करी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप हमारे अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, आपको हम इसी तरीके की यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी लाते रहेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।